क्या आपने कभी काले गेहूं के बारे में सुना है? नहीं सुना है तो आज सुन भी लीजिए और देख भी लीजिए। धार के एक किसान हैं, नाम है विनोद चौहान। इन्होंने अपने खेत में काले गेहूं की फसल उगाई है। फसल भी ऐसी कि 12 राज्यों से इनके पास फोन आ रहे हैं। सिरसौदा के किसान विनोद चौहान चर्चा में है। दरअसल विनोद ने 20 बीघे के खेत में 5 क्विंटल गेहूं की फसल लगाई थी, जिसमें अब 200 क्विंटल गेहूं की पैदावार हुई है। दिखने में काले ये गेहूं सामान्य गेहूं से कहीं ज़्यादा पौष्टिक हैं और ये कई बीमारियों से लड़ने में मददगार भी हैं। ये तो आपको मालूम पड़ गया कि काले गेहूं भी होते हैं, लेकिन इनकी खूबियाँ क्या होती हैं यह भी जान लीजिए। दिखने में काले ये गेहूँ सामान्य गेहूँ से कहीं ज़्यादा पौष्टिक हैं और कई बीमारियों से लड़ने में मददगार भी हैं। इसमें सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। इस गेहूं का आटा कैंसर, ब्लड प्रेशर, मोटापे और शुगर वाले मरीजों के लिए बहुत अच्छा है। जब हमने विनोद चौहान से बात की तो उन्होंने हमको बताया कि उन्होंने कैसे आम लागत से 25,000 रुपये ज़्यादा लगाकर इस खेती को किया है। खर्चा लगभग यूँ कुल ओवरऑल 20 बीघा का देखा जाए तो 25,000 रुपये की रिस्क थी मेरी। दूसरे अगर मैं गेहूँ बोता तो उसमें 25,000 रुपये कम खर्चा लगता और इसमें 25,000 ज़्यादा लगता। परंपरागत खेती को छोड़कर अपने को कुछ ना कुछ नया करना चाहिए खेती में, ताकि इसको अपन मतलब लाभ का धंधा बना सके खेती को। दूसरा, किसानों को ये मैं कहना चाहता हूँ कि अपने किसानों में कमी ये रहती है कि किसी भी नई चीज़ पे अपन इतनी जल्दी भरोसा नहीं करते हैं, और जब भरोसा करते हैं तब तक वो चीज़ कॉमन हो जाती है और उस चीज़ का अपन लाभ नहीं उठाता। विनोद इस काले गेहूँ की फसल को 7 से 8 हज़ार रुपये क्विंटल बेच रहे हैं। विनोद के पास यूपी, पंजाब, उत्तराखंड समेत करीब 12 राज्यों से फोन आ रहे हैं। पंजाब में 3500 रुपये क्विंटल के करीब जो इसकी ये है आपकी रिसर्च सेंटर है, उनने बता रखा है कि 3500 रुपये क्विंटल में वहाँ खरीदी इसकी हो रही है। और खरीदी से अलग हटके अगर अपन बात करें तो अभी जिस हिसाब से डिमांड आ रही गेहूँ की, उस हिसाब से 7 से 8 हज़ार रुपये क्विंटल जो गेहूँ मैं बेच रहा हूँ यहाँ से, और अभी मैंने 7-8-10 क्विंटल गेहूँ बेचे भी हैं। और अभी लगातार मेरे को फ़ोन आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, हरियाणा से आए हैं, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड, आपका बिहार और गुजरात वगैरह, ऐसे राज्यों से मेरे पास लगातार मांग आ रही है गेहूँ। वहीं काले गेहूँ की इस फसल को कृषि वैज्ञानिक भी अच्छा संकेत मान रहे हैं। हमारे विभागीय प्रक्रिया में तो नहीं आया है, लेकिन किसानों ने जो बोया उसका रिजल्ट अच्छा बता रहे हैं। और उनका जो कहना, किसानों से चर्चा किया तो उनका ये कहना था कि सर ये जो गेहूं है ये डायबिटीज वाले लोगों के लिए फ़ायदेमंद बताएं। कुल मिला के वो जो किसानों से चर्चा में आया है कि वो पच जल्दी जाता है, और जस्ट लाइक शरबती की तरह, अगर कभी कलर नहीं रहे तो शरबती की तरह उसका जो टेस्ट है ये बताया गया। और लोगों ने काफ़ी अपने यहाँ ज़िले में, क्षेत्र में भी बोए हुए हैं। ये एक नॉर्मल है, जैसे किसानों से जो चर्चा की है तो उन्होंने कहा जैसे अपन जो दूसरे गेहूं बोते हैं ऐसे की ऐसे बोना, वही मेथड है। बहरहाल काले गेहूं की खेती कर विनोद ने और किसानों का उत्साह तो बढ़ाया ही है, साथ ही उनकी वजह से आप सभी तक ये अहम जानकारी भी पहुँची है। काले गेहूं के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल MP तक को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।